हरनौत विधानसभा क्षेत्र के लिए फिर नामांकन का पर्चा दाखिला किया पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह ने। हरनौत विधानसभा क्षेत्र से फिर पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह को जेडीयू द्वारा टिकट दिया गया है। आज पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह ने बिहार शरीफ समरणालय में अपने जिंदगी का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, आज की कोई नई समस्या नहीं है और आने वाले समय में बिहार सरकार इसके लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि इस बार भी जनता मुझे भारी मतों से जीत दिलाएगी। हरिनारायण सिंह द्वारा नामांकन का पर्चा दाखिल किए जाने के बाद जेडीयू नेता अरविंद कुमार ने उन्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हरिनारायण सिंह 8 बार से विधायक चुने जा रहे हैं, वे मंत्री सहित कई पदों पर सुशोभित कर चुके हैं और 9वीं बार भी पुनः विजयी घोषित किए जाएंगे। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा एक आज नई बात नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा है और विपक्ष के द्वारा इस पर तुल दिया जा रहा है, लेकिन 15 वर्ष के शासन काल में हमारे नेता आदर नीतीश कुमार जी ने न मालूम लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार युक्त किया है। जैसे टीचर की नियुक्ति हो, आशा की नियुक्ति हो, कई तरह के कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति हो, महादलित टोलों का बहाली हो, इस तरह से 15 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार युक्त किया है और मनरेगा के माध्यम से बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं उनको भी काम मिल रहा है। देना चाहते हैं कि 8 बार मुख 8 बार विधायक रह चुके हैं हरनौत और चंडी से, तो अभी 9वां बार नॉमिनेशन कर दिए हैं और उनको इस बार तो कम से कम 50,000 वोट मतों से उनको जिताना है हमको, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं कि इस बार भी भारी मतों से जीतेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ अरविंद कुमार।